हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जैसे कल मैंने एक पोल किया था कि संडे को क्या आप कमेंट्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का यस आया था। तो आज संडे वाले दिन मैं आप ही के कमेंट्स पर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, चैनल पर डेली कई सारे कमेंट्स आते हैं, उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनकी संख्या कई बार सैकड़ों में और कई बार हजारों में भी पहुंच जाती है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि संडे वाले दिन आपके कमेंट्स पर आपके लिए वीडियो लेके आऊं, ताकि आपको आपके कमेंट्स का आंसर मिल जाए और अन्य लोग, बहुत सारे लोग जो सेम समस्या से गुजर रहे हैं, वो जब उन कमेंट्स के आंसर्स को सुनेंगे तो हो सकता है उनको भी उनका समाधान मिल जाए। इसलिए ये जो वीडियो है, ये केवल उन लोगों के लिए ही नहीं जिन्होंने कमेंट में पूछा है, बल्कि सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि कौन से कमेंट का आंसर किसके कब काम आ जाए। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहली कमेंट है महेंद्र वर्मा जी की। ये कहते हैं, सर धारा 325 लगी है, सामने वाली पार्टी राजीनामा नहीं कर रही है, तो क्या सजा काटनी ही पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सामने वाली पार्टी राजीनामा नहीं कर रही है तो सजा काटनी पड़ेगी, क्योंकि यदि सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर 325 आईपीसी का आरोप लगा दिया है, यानी कि आरोप लगा दिया है कि आपने उनके साथ मारपिटाई करके उनको गंभीर चोटें दी हैं, तो उन्हें इस बात को कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। यदि वो इस बात को साबित कर देते हैं तभी सजा होगी, यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट आपको बरी कर देगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि वो राजीनामा समझौता नामा आपसे नहीं कर रहे हैं तो आपको सजा काटनी ही पड़ेगी। दूसरा कमेंट है केशी राम जी का। ये लिखते हैं, तलाक के बाद पति द्वारा दी गई संपत्ति वापस होगी कि नहीं? तो ये देखिए, होता क्या है, जनरली जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो पति होता है वो पत्नी के नाम से ही प्रॉपर्टी, प्लॉट या घर या दुकान खरीद लेता है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की हमारे देश में छूट मिलती है, तो अधिकतर लोग महिलाओं के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो फिर यदि प्रॉपर्टी में महिला का नाम चढ़ा हुआ है, सिर्फ महिला का नाम चढ़ा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी महिला की ही मानी जाएगी और आप उसको उसे वापस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब यदि आप वापस लेना ही चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा और उसमें साबित करना पड़ेगा कि उसमें जो भी पैसा लगा है वो आपने लगाया है, केवल तभी आप उसे वापस ले पाएंगे, अदरवाइज उस पर उस महिला का ही राइट होगा। तीसरी कमेंट रंजीत कुमार जी की है। ये लिखते हैं, सर अगर पत्नी ने पहले दूसरी शादी कर ली है तो पति भी दूसरी शादी कर सकता है क्या? तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में लीगली डाइवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपकी पत्नी ने बिना डाइवोर्स के ही दूसरी शादी कर ली है तो उसने क्राइम किया है, आप उस पर बायगेमी का केस कर सकते हैं। लेकिन ये सोचते हुए कि उसने दूसरी शादी कर ली है तो मैं भी दूसरी शादी कर लूं, तो फिर आप भी क्राइम करते हैं और आपके ऊपर भी उसके द्वारा बायगेमी का केस किया जा सकता है। अभी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक दूसरे पर केस करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो लीगली आप लोग गलत करते हैं। अगला कमेंट लिखा है सूरज राजपूत जी ने कि सर अगर लड़के ने 376 आईपीसी के बाद शादी कर ली है तो क्या हो सकता है? 376 आईपीसी यानी रेप या बलात्कार का मुकदमा यदि लड़की के द्वारा किसी लड़के पर दर्ज कराया जाता है और बाद में लड़का उसी लड़की से मैरिज कर लेता है, बाद में लड़का और लड़की अपने वकील साहब के माध्यम से ये केस जो है इसको खत्म करवा सकते हैं। अभी इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसे खत्म होगा, कि ये केस किस स्टेज पर है, उसमें क्या बयान दिए गए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे गए हैं, तो ये आपके जो वकील साहब होंगे वो आपको इसका टेक्निकल रास्ता बता सकते हैं कि किस तरह से इस केस को खत्म किया जाएगा। इसके बाद अगली कमेंट है मानी खान जी की, लिखती है सब जजमेंट तो हिंदू केस के बारे में है, मुस्लिम के बारे में कुछ तो जानकारी दीजिए, मुस्लिम लड़की भी तो इंसान है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं जो भी वीडियोस लेके आता हूँ, चाहे वो 498 AIPC के हों, चाहे वो DB Act के हों, चाहे वो IPC और CRPC की किसी अन्य धाराओं के हों, वो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लोगों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। केवल हिंदू मैरिज एक्ट के ही प्रावधान ऐसे हैं जो कि मुस्लिम पर लागू नहीं होते हैं, केवल हिंदुओं पर लागू होते हैं, और मुस्लिम के लिए जो है वो मुस्लिम लॉ लागू होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी कानून मैं आपको बताता हूँ, जितने भी जजमेंट मैं आपको बताता हूँ, वो मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए ही है। बाकी मैं बहुत जल्दी आपके लिए मुस्लिम लॉ पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कमल यादव जी का कि क्या 406 आईपीसी खत्म हो गई है? कमल जी, बिल्कुल भी नहीं, 406 आईपीसी पहले भी थी और आज भी है। इसके बाद अगला कमेंट है सिंह नाम से कोई आईडी है, ये लिखती है अगर दोनों लड़कियां चाहती हैं एक लड़के के साथ मैरिज हो तो क्या लड़का दोनों के साथ मैरिज कर सकता है लीगली? देखिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में द्विविवाह यानी कि बायगैमी को एक अपराध माना गया है। हमारे यहाँ कानून यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी मैरिज नहीं कर सकता, और यदि उसे करनी है तो पहले पार्टनर से डाइवोर्स लेना होगा। तो इस आधार पर एक लड़का एक ही समय में दो लड़कियों से शादी लीगली नहीं कर सकता है।
दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है देवेंद्र कुमार जी की, ये लिखते हैं सर मेरे साले ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है तो मुझे क्या करना है। अरे भाई वो आपका साला है, आपने कहावत तो सुनी होगी ना हमारे देश में कि पूरी दुनिया की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। चलिए ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन यदि हम इसको सीरियसली लें, लीगली लें, तो यदि आपको उसने धमकी दी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के एसएसपी साहब के पास और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देनी है जिसमें आपको पूरी घटना बतानी है, और यदि आपके पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कोई अन्य एविडेंस है तो उसको भी इस एप्लीकेशन के साथ आपको लगा देना है, और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन की रिसीविंग वहां से जरूर ले लें। यदि फ्यूचर में आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ और ऐसा होता है तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपके बहुत काम आएगी, आपकी प्रोटेक्शन के लिए उस समय पे ये आपके काम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं योगेश कुमार जी, ये लिखते हैं वाइफ ने झूठा गैंग रेप का एफआईआर किया है तो मेल के पास कोई राइट है? देखिए जी, पहले तो आजकल रिश्ते कुछ ऐसे हो गए हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किस प्रकार की जो है केस कर रहे हैं, किस प्रकार की बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि ये आरोप झूठा है तो फिर इसके लिए उसे मेडिकल प्रूफ देने पड़ेंगे, और वो मेडिकल प्रूफ उसके पास नहीं होंगे सफिशिएंट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बयानों में फर्क आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आसानी से साबित हो जाता है कि वो झूठा केस दर्ज कर रही है। कोर्ट भी सारी चीजों को समझती है, लेकिन आपको केस तो अब फाइट करना ही होगा यदि एफआईआर दर्ज हो गई है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। या फिर आप एफआईआर को क्वेश करने के लिए 482 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद अगला कमेंट है अननोन आईडी है, सर मेरी शादी हो गई है फिर भी मैंने गर्लफ्रेंड से शादी की है, क्या दो बीवियां बनाना गुनाह है? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दो पति आप नहीं रख सकते हैं, इसी तरह से आप दो पत्नियां भी नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब यदि आपको दूसरी शादी करनी थी भाई, तो पहले पहली वाली पत्नी से आपको डाइवोर्स लेना था। आपने डाइवोर्स नहीं लिया, बिना डाइवोर्स लिए ही आपने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सब सही चल रहा है। लेकिन यदि आपकी पहली पत्नी को इस बात का पता चलता है और वो आप पर केस करना चाहे किसी डिस्प्यूट के होने पर, तो वो आपके ऊपर बाइगेमी का केस कर सकती है, यानी कि 494 आईपीसी का केस आपके ऊपर कर सकती है, तब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा कोई भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कमेंट्स के जो मैंने आपको आंसर दिए वो आप सबके कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम जरूर आएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। और यदि आप मुझसे किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए फोन कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी लोग इस चैनल के सारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे व्यूज उस पर देते हैं, बहुत सारे लाइक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।